हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज का केस स्टडी है, केस स्टडी नहीं है ये, बल्कि एक ट्रिक है। तो आसूस के ऊपर है, आसूस के 81 MCS रिवीजन 1। तो ये वीडियो रिक्वेस्ट पर्पसिंग के लिए है। तो इस बोर्ड में प्रॉब्लम है, ये रिस्टार्ट का प्रॉब्लम, ठीक है। तो रीस्टार्ट का प्रॉब्लम इस बोर्ड में अगर आए तो एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आज। और दूसरी बात यह है कि ये जो आसूस का 81 का बोर्ड है, ये बोर्ड अगर चल रहा है, सीपीयू हीट नहीं हो रहा है, वीडीडी कोड जनरेट नहीं हो रहा है, डिस्प्ले नहीं है बोर्ड में, तो भी एक ही ट्रिक काम करेगा। और अगर रीस्टार्ट प्रॉब्लम हो रहा है तो भी एक ही ट्रिक काम करेगा। अगर आपका बायोस का इशू नहीं है तो अलग बात है, अगर बायोस का इशू है तो अलग बात है, या फिर सीपीयू खराब है उसके बाद अलग। और ये रिस्टार्ट प्रॉब्लम ये बोर्ड में दो तीन वजह से ऐसे खास करके होता है। पहला तो एक बायोस, दूसरा अगर इसका आयो खराब हुआ तो रिस्टार्ट प्रॉब्लम होता है, और तीसरा जो एक है ये एक ट्रिक है। अभी मैंने बोर्ड को रेडी कर दिया, फिर जाके पता चला, मुझे याद आया कि किसी ने कहा था मुझे ये स्टेट के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए, तो सोचा छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो बना दूँ, काम आ जाएगा सबको। और ये वीडियो एक्सपर्ट के लिए भी है और फेशर के लिए भी है, तो वीडियो को स्किप मत करें। तो ये देख देख लो मैंने यहाँ पर काम किया है, तो लास्ट में आके मुझे याद आया कि वीडियो बनाना है, इसलिए बना रहा हूँ। और वीडियो कम मिल रहा है, काम का बहुत प्रेशर है, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर एक मॉस्फेट है, दिखा दूँ, सॉरी ये पेस्ट लगा हुआ है तो इधर से दिखाता हूँ। तो ये जो होल है, ये होल के बीच में जो शटा पोर्ट है, शटा पोर्ट के एकदम पास में यहाँ पर दो मॉस्फेट है, देख सकते हो क्लियर। अब यहाँ पर एक मॉस्फेट है ये वाला, और दूसरा ये वाला है। दूसरा वाला जो मॉस्फेट है, इसका ड्रेन में कभी कभार 5 वोल्ट रहता है, और सोर्स में कभी कभार 5 वोल्ट आता है तब रजिस्टर होता है, और कभी कभार नहीं आता है तो बोर्ड चलता है लेकिन डिस्प्ले नहीं आता है। तो रीस्टार्ट और नो डिस्प्ले का जो ट्रिक है वो यहीं से ही शुरू होता है, और सारा फंडा यहीं पर ही है। अदरवाइज़ अगर कोई और प्रॉब्लम है आयो का, बीच का, बायोस का, सीपीयू का और पीडब्ल्यूएम का, तो अलग बात है। अगर वो सब सही है आपके, तो फिर भी रीस्टार्ट या फिर डिस्प्ले नहीं है बोर्ड में, चल रहा है बोर्ड में डिस्प्ले नहीं है, तो कृपया करके आप तुरंत जाके ये वाला जो सेकेंड मॉस्फेट है, इसका ड्रेन और सोर्स को एक जम्पर कर दीजिए, बाईपास कर दीजिए, या फिर इसे चेंज कर दीजिए। इसका नंबर देख लीजिएगा, अभी हीट दिया है मैंने, जम्परिंग कर रहा था, इसका नंबर नहीं दिखेगा मुझे। तो ये मॉस्फेट ही है, ये है इसका ट्रिक। तो और एक बात मैं बोल दूँ, जब भी अगर ये प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ पर एक बार ट्वीज़र से शॉर्ट करना ये ड्रेन और सोर्स को, उसके बाद जाके 2-3 दिन ये प्रॉब्लम और नहीं होगा, आराम से बोर्ड चलेगा, और 3-4 दिन बाद फिर से प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आप बाईपास कर देंगे तो ये प्रॉब्लम परमानेंटली फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर एक बार जम्पर किया, तो देखते हैं, अभी मैंने खोल दिया, देख सकते हो अब, सॉरी ये ज़रा हटा देता हूँ, ये देखने में बुरा लग रहा है, पेस्ट था इसके ऊपर। देखो अभी मैंने क्लियर, देख लो ये लाइट का कॉम्बिनेशन, ये मैंने जम्पर वायर दिया, या अभी मैंने ये हटा दिया, तो अभी देखते हैं हटा के चलता है कि नहीं। अगर हटा के भी चलता है तो अगर चल जाए तो 2 दिन या 1 दिन चलेगा, उसके बाद फिर जाके रिस्टार्ट प्रॉब्लम होगा या फिर नो डिस्प्ले का इशू आएगा। और अगर मैं ये जम्पर वगैरह से फिक्स कर दूंगा तो ये बोर्ड मेरे पास और रिटर्न नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके पास भी अगर ऐसा बोर्ड आ जाए तो अगर ट्वीज़र से शॉर्ट करने के बाद ये प्रॉब्लम, फिर ट्वीज़र छोड़ने के बाद ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाए, तो ऐसे में आप बोर्ड को कस्टमर को मत दीजिए। यहाँ पर एक मैंने जो दिखाया अभी, यहाँ पर एक बाईपास कर दीजिए ड्रेन और सोर्स में, उसके बाद डिलीवरी करिए। अगर बाईपास आप नहीं करेंगे तो फिर रिटर्न आएगा आपके पास, ठीक है बोर्ड। तो चलो अभी देख लेते हैं, जो शॉर्ट वीडियो बनाना है तो ऐसे रख देता हूँ अभी। और एक रैम तो लगा है, और फैन तो लगा देता हूँ, एक्चुअली ये जो मॉस्फेट है ये अंदर से लीकेज है, ये कभी कभार काम कर रहा है, कभी कभार नहीं कर रहा है। जब भी काम नहीं कर रहा है तब बोर्ड टोटली चल रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, और जब कभी कभार काम कर रहा है तब रिस्टार्ट हो रहा है।
तो फंडा एक ही है, ये स्टार्ट हो गया नो डिस्प्ले। यही मॉस्फेट अगर आप बाईपास कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा, अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है तो चेक करने के बाद। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, चलो देख लेते हैं। अभी मैंने जंपर को हटा दिया, जंपर नहीं किया, तो अभी देखते हैं। डिबग कट दिख रहा है, देखो अभी कोड आया है, चलता है कि नहीं देखते हैं। E9, इसका मतलब इसका रैम का एरर आ रहा है, ठीक है। अभी इसका रैम का एरर दे रहा है, कोई बात नहीं, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा देख लूँ। और इसके साइड में एक रजिस्टर है, अगर ये वायर जुड़ गया तो ऐसा रैम का एरर देगा, शायद जुड़ गया हुआ होगा, देख लेते हैं। हाँ मैंने बोला था ना, जुड़ चुका था वो रजिस्टर से। तो अभी देखो डिस्प्ले इसका आ चुका है, तो मैंने बाईपास को हटा दिया फिर भी आ रहा है, लेकिन ऐसे अगर डिलीवरी कर दूंगा तो दो दिन बाद फिर जाके रिटर्न आ जाएगा और वही प्रॉब्लम होगा। तो अभी मैं इसे परमानेंटली फिक्स कर दूंगा और इसे बाईपास कर दे रहा हूँ। तो अभी देखो डिस्प्ले बोर्ड में है, अगर ऐसी गलती करोगे तो हाँ बोर्ड तो रेडी हो गया, डिलीवरी कर देते तो फिर जाके कल या नहीं तो परसों या फिर दो तीन दिन बाद फिर जाके आएगा ये बोर्ड। तो अभी मैं थोड़ा सा बाईपास कर देता हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। और ये जेन्युइन वीडियो है और जेन्युइन रॉ फुटेज ही मिल रहा है, और ये एकदम 100% जेन्युइन ट्रिक है। आपके पास भी ऐसा बोर्ड आए फिर ट्रिक को अप्लाई करें, उसके बाद जाके कॉमेंट करें, ठीक है। 100% काम करेगा, अगर आपका बायोस का इशू नहीं है, PWM का इशू नहीं है, CPU का इशू नहीं है, तो IO का इशू नहीं है। तो देखो मैं और भी क्लियर समझा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगा। देखो यहाँ पर एक सेकंड मैं एक लाइट जला के दिखा देता हूँ थोड़ा सा, अब दिख रहा है। हाँ अब क्लियर दिख रहा है। देखो कैसे दिखाऊँ यार, लाइट लेके ट्विजर लेके दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पर जो मॉस्फेट है, नहीं दिख रहा है यार, एक सेकेंड मैं कैसे दिखाऊँ, लाइट को कहाँ मारूँ, इसे यहीं पर रख देता हूँ खड़ा करके। हाँ बस अब जो लाइट मिलेगा उसे काम चल जाएगा। देखो ध्यान से देखो, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखो यहाँ पर एक मॉस्फेट है, ये सेकेंड वाला मॉस्फेट ऊपर का शाटा पोर्ट के बीच पास ही जो है, ये मॉस्फेट का ड्रेन और सोर्स में आपको बाईपास करना है। अगर किसी भी हालत पर यहाँ पर एक रजिस्टर है एकदम इसके एकदम बीच में एक रजिस्टर है, वहाँ पर अगर थोड़ा सा भी जम्पर वगैरह लग गया, शोल्डर लग गया आपका, तो ये रैम का एरर आएगा, ठीक है, रैम सपोर्ट नहीं करेगा। तो ध्यान रहे, अगर बाईपास करने के बाद भी बोर्ड चल रहा है, बोर्ड का जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया, लेकिन रैम नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो समझ लेना यहाँ पर एक रजिस्टर है, उसके साथ ये वायर जुड़ गया है, ठीक है, इतना याद रखना बस। तो अभी मैं बाईपास कर रहा हूँ और करने के बाद थोड़ा पास से दिखा दूंगा, एक सेकेंड। तो मैं बाईपास कर लेता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कुछ सीखना है तो, ठीक है। चलो मैं इसे बाईपास कर देता हूँ इजीली, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वहाँ पर एक रजिस्टर है 0K का है, 0 ohms का, अगर उस रजिस्टर में अगर आपका जम्पर लग गया तो ये बोर्ड रैम का एरर आएगा और रैम सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना याद रखना। तो देखो मैंने क्लियर दिखा रहा हूँ, ये लाइट दे के दिखा देता हूँ, ये देखो मैंने ये वाला जो मॉस्फेट है, देखो ये नीचे वाला क्लियर है, उसके ऊपर वाला ड्रेन और सोर्स को बाईपास कर दिया, अब ये बोर्ड नेक्स्ट टाइम और प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये रिस्टार्ट और नो डिस्प्ले का।
एक ही ठीक में दो काम करेगा। और अगर आपके पास ये मॉस्फेट है, किसी दूसरा स्क्रब बोर्ड है, तो आप बिंदास लगा सकते हो, क्योंकि ये लीकेज हो चुका है ये मॉस्फेट, ठीक है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो काम करने के बाद याद आया वीडियो बनाना है, इसीलिए बना रहा हूँ, क्योंकि किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि 81 का रीस्टार्ट के ऊपर एक वीडियो बनाने के। तो अभी तो करीब 2 बज चुका है रात का, 2 बजने में 15 मिनट बाकी है, आज ही अपलोड कर दूंगा, कोई बात नहीं, सक्सेसफुल हो जाए तो, सक्सेसफुल हो जाएगा मेरे ख्याल से। चलो एक बार ऑन करते, चलो मैंने ऑन कर दिया, अब देख सकते हो कोडिंग ले रहा है, कोडिंग पहले भी ले रहा था, क्योंकि एक बार मैंने बाईपास किया था तो मॉस्फेट जो लीकेज था वो थोड़ा सा सुधर गया था, इसीलिए फिर वो वर्क काम कर रहा था, इसीलिए यहाँ पर जम्पर हटाने के बाद भी वो काम कर रहा था, लेकिन वो 2 दिन बाद जाके फिर से प्रॉब्लम होता, तो बाईपास करने से ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं फेसिंग होगा। तो देखो डिस्प्ले आ चुका है, कीबोर्ड पे देख लो डिस्प्ले आ चुका है इसका, ये पे भी थोड़ा सा देखा देंगे, कोई बात नहीं। और आसुस का वो रिपेयर करना है तो कृपया करके आप एक डिबग कार्ड ले ले यूनिवर्सल, जो TL460S+ या फिर 460 4611 कोई भी चलेगा। अगर डिबग कार्ड आप नहीं लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होता है ये बोर्ड का कोड जानना। तो देखो डिस्प्ले इसका आ चुका है, डिस्प्ले इसका आ चुका है प्रॉपरली, और कीबोर्ड पे भी देख सकते हो आ चुका है, देख रहे हैं ब्लू लाइट जल रहा है, ये देखो। तो ये दोबारा और प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगा, ये जो मैंने बाईपास कर दिया। तो आपके पास भी अगर ऐसा कंडीशन में बोर्ड आए तो आप इसे चेक करें ठीक से, अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है तो वही सही हो रहा है, तो देखना ड्रेन में 5 वोल्ट और सोर्स में अगर 5 वोल्ट मिसिंग है तो तुरंत बाईपास कर दो, ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, लव यू ऑल, जय हिंद।